हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश एंड टुडे आई विल टीक यू फॉर्म इन एस्टिमेट। ठीक है, आज मैं आपसे फॉर्म डिस्कस करता हूँ। फॉर्म मेनली क्यों यूज करते हैं, आप जब कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं, वहाँ पे साइन अप करते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर साइन अप फॉर्म भरवाते हैं। साइन अप फॉर्म भरवाने का एक ही पर्पज होता है कि आपकी डिटेल को फैच करना है। ठीक है, तो आपकी वो डिटेल को गेट करते हैं। आप क्या करते हैं, उसमें नेम डालते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, आप उसमें पासवर्ड डालते हैं, ईमेल डालते हैं। तो क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन क्या कराई जाती है, इनपुट कराई जाती है। तो मेनली फॉर्म का जो मेन पर्पज है वो हमारा क्या है, यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, तो हम ज्यादातर क्या है, मेन काम इनपुट लेना, फॉर्म का मेन काम इनपुट लेना है यूजर से। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है कि आपकी आपको लेना क्या है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय की डिटेल्स हो सकती है, यूजर की किसी वेबसाइट पे आप देख लोगे, वेबसाइट पे जैसे क्या करते हैं, हम कोई साइन अप करते हैं, अब हम साइन अप कर रहे हैं तो क्या, हम नए यूजर हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पे यूजर की डिटेल्स हो सकती है, एम्प्लॉय की डिटेल्स हो सकती है, पेशेंट की डिटेल्स हो सकती है। तो वो सब क्या है, हमारी एक फॉर्म, फॉर्म के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, मतलब इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे अब एचटीएमएल में। ठीक है, तो हमारे पास एचटीएमएल में फॉर्म टैग है। ठीक है, फॉर्म टैग है एंड इनपुट टैग है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, एचटीएमएल हेड हेड टाइटल टाइटल और ये टाइटल हमारा यहां पे क्या हो गया, एकेडमिक। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आपको पता है इसको अलाइन करते हैं, बॉडी टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी स्टार्ट की बॉडी। Now, अब हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमारे पास टैग है फॉर्म टैग। ठीक है, इसे क्या हमारे पास फॉर्म टैग है फॉर्म। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर क्या है, हमें क्या है, किसी यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहां पे क्या है, इनपुट टाइप। ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, अभी हम क्या करा रहे हैं, इनपुट किसी से टेक्स्ट करवा रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू उसका इनपुट फील्ड का नाम क्या है, नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, आप यहाँ पे लेबल भी दे सकते हैं आगे लेबल। ठीक है, लेबल दे देते हैं यहाँ पे नेम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे एचटीएमएल फोल्डर में। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, मेरी एक फॉर्म की एक फील्ड बन गई है, इनपुट टाइप बन गया है, इसका नाम है नेम। ऐसे हम और भी फील्ड यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक फील्ड और क्रिएट कर लेते हैं, लेबल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, लेबल। ठीक है, अब इसे भी इनपुट करा लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, यहां पे ईमेल कर देते हैं। अगर हम यहां पे ईमेल कर देंगे तो वो थोड़ा सा चेक भी कर लेगा। ठीक है, और नेम, सॉरी, नेम इक्वल टू ईमेल। ये जो हमारा नेम है ये काम आता है सर्वर साइट पे। जब हम सर्वर साइट पे यहाँ से फॉर्म की डिटेल सेंड करते हैं तो हम वहाँ पे फैच करते हैं, हम जो डिटेल गेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, नेम के थ्रू करते हैं। जैसे हम वहाँ पे क्या करेंगे, नेम के थ्रू नेम गेट कर लेंगे, नेम के थ्रू ईमेल गेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आप सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, जैसे आप जावा यूज करें या पीएचपी या .NET, ठीक है, तो उसके लिए। नाउ अब क्या करते हैं, एक और फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ईमेल ये बना देते हैं हम, पासवर्ड पासवर्ड। ठीक है, अब इनपुट टाइप ईमेल था, वैसे इनपुट टाइप क्या होता है, पासवर्ड होता है। पासवर्ड हम किसी को शो थोड़ी करते हैं। ठीक है, पासवर्ड, तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सॉरी, ये सब फॉर्म टैग के अंदर आएंगे। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया, इसको F5 कर दें। ये देखिए हमारा फॉर्म तैयार हो गया, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नाम डालता हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी, ठीक है, @gmail जो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और पासवर्ड देखिए, यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो क्या रहा है, डॉट 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 आ रहा है, क्योंकि हमें पासवर्ड शो नहीं करना है।
आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा फॉर्म बनाना। थैंक यू।